हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ वीट फ्लावर ड्राई फ्रूट बिस्किट्स। ये काफ़ी हेल्दी है और बच्चों के लिए आप ये रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे हम बिना बेक किए हुए बनाने वाले हैं। इस रेसिपी के लिए आपको लेना है 2 कप गेहूं का आटा, और फिर उसके अंदर हम मिलाने वाले हैं 2 टेबलस्पून ये सूजी है, सूजी या रवा जो आपके पास हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और उसमें ऐड करें 3 टेबलस्पून घी। इस रेसिपी में आप घी ही यूज़ करें, ऑयल यूज़ नहीं करें, नहीं तो वो इतने अच्छे नहीं बनेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे और इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा। घी डालने के बाद आपको आटे के अंदर इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। एटलीस्ट 3 से 4 मिनट हम इसको मसलेंगे आटे के साथ। घी और आटे को इस तरह मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये स्टेप जो है स्किप नहीं करें। और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ही इस जो आटे का कलर है वो चेंज हो जाएगा। आफ्टर 3 मिनट्स आप देख सकते हैं कि जो आटे का कलर है वो चेंज हो गया है। और जिस तरह से मैं देखिए आटे को बाइंड कर रही हूँ, आपको भी उसी तरह बाइंड करके देखना है कि जो हमने मोयन डाला है घी वो बराबर है या नहीं। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है ड्राई फ्रूट्स। तो जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है, 1/2 कप ड्राई फ्रूट्स थे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून जायफल का पाउडर जिसे नटमेग भी कहते हैं। उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून पॉपी सीड्स मतलब खसखस। अभी इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है ज़्यादा वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब आप इसमें डाल दें 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक। उसके साथ इसमें आपको डालना है 1 कप पाउडर्ड शुगर। रेगुलर चीनी जो रहती है उसे आप पीस लें मिक्सर में, और फिर उसके बाद 1 कप मेज़र करके इसमें आपको डाल देना और बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। शुगर जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब आपको इसमें डालना है हल्का गुनगुना दूध और इसका एक सेमी हार्ड डो लगा लेना है। जैसे हम रोटियों का डो लगाते हैं उससे थोड़ा सा इसको हार्ड रखना है, तो थोड़ा थोड़ा कर कर ही आप दूध डालें। आप चाहे तो इसका आटा जो है वो पानी से भी लगा सकते हैं, बट दूध से ये काफ़ी हेल्दी बनेंगे इसीलिए मैं यहाँ पे दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। गेहूं के आटे के जब हम बिस्किट बनाते हैं तो वो थोड़े से हल्के से ब्राउन ज़्यादा रहते हैं। आप आटा भी देख सकते हैं कि इसका हल्का सा ब्राउन कलर आया है, और ये डो देखिए सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है। तो इसको अच्छे से आपको मसलना है कम से कम 2 से 3 मिनट। तो ये जो डो है वो लगकर रेडी हो गया है, इसे मैं साइड में रख रही हूँ 20 मिनट्स के लिए, और इसे आपको ढक के रखना है। आफ्टर 20 मिनट्स हम इस डो का एक पोर्शन निकाल लेते हैं, एक मोटा सा पेड़ा बना लेंगे। तो इस तरह देखिए दोनों हाथों के बीच में रखते हुए आपको पेड़ा बना लेना है। तो ये देखिए मैंने एक चकला ले लिया है, उस पर मैंने पेड़ा रख दिया है, और अब इसे मैं बेलने वाली हूँ। तो बेलते समय आपको इसका जो थिकनेस है वो 1/2 सेंटीमीटर जितना रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और जब आप इसे बेलेंगे तो साइड में मीन्स जो ये रोटी है उसके साइड में क्रैक्स आएंगे, तो ये नॉर्मल है। तो ये देखिए साइड में से आपको इस तरह करते हुए फिर से इसका एक राउंड जो है रोटी का शेप दे देना है, और फिर से इसे थोड़ा सा बेल लेना है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी यूज़ कर रही हूँ इसे कट करने के लिए। आप चाहे तो ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुकी कटर आता है स्क्वायर, राउंड या फ्लावर शेप का, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो बिस्किट की साइज़ है वो टोटली डिपेंड करती है आप पर कि आपको उसको बड़ा रखना है या छोटा रखना है, बट ये साइज़ मुझे पसंद है स्मॉल मीन्स बिस्किट जैसी, इसीलिए मैंने ये साइज़ रखी है। तो इसका एक बार थिकनेस भी देख लीजिए आप। एक बार आप घर पर बनाएंगे तो मार्केट से लाना भूल जाएंगे कोई भी बिस्किट। तो ये देखिए मैंने सभी जो बिस्किट्स है वो इस तरह रेडी कर लिए, और ऐसी 2 प्लेट रेडी होती है। ये मैंने 1 प्लेट रेडी की है, अभी भी मेरे पास डो रखा हुआ है। जो तेल है वो मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद गैस का जो फ्लेम है वो आप मीडियम कर दे, बिल्कुल ठंडे तेल में या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में नहीं डालना है। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखे, और एक एक करके आपको ये जो बिस्किट्स है वो इसके अंदर डालने हैं।
बिस्किट डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसको आप टच भी नहीं करें। ये जब अपने आप फ्राई होकर ऊपर आ जाए तब आपको इसको अच्छे से स्पून से मिक्स करना है, बहुत ही हल्के हाथों से। तो ये देखिए जब ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है इस तरह से, तब आपको हल्के हाथों से इसको इस तरह देखिए मिक्स करना है। आफ्टर 2 मिनट्स आपको जो गैस का फ्लेम है वो स्लो टू मीडियम के बीच में कर देना है और इसे फ्राई होने दे। और बार बार इसे आप टर्न नहीं करें नहीं तो ये टूट जाएंगे। एक बैच को फ्राई होने में कम से कम 4 to 5 मिनट्स लग जाते हैं, तो आपको पेशेंस रखना है। और देखिए हमारे जो बिस्किट्स है वो रेडी है, तो इसको निकाल के एक छन्नी में रखना है, टिश्यू पेपर पे नहीं रखे। अभी ये जो बिस्किट्स है काफ़ी सॉफ्ट होंगे तो इसे आप टच नहीं करें, आफ्टर हाफ एन आवर ये अपने आप क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने जो सारे बिस्किट्स हैं वो रेडी कर लिए हैं और मैं आपको पास में से भी दिखा रही हूँ, ये काफ़ी खस्ता बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। एक बिस्किट मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ही इजीली टूट जाता है और बहुत ही क्रंची बनते हैं ये। रेसिपी अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जरूर इसे शेयर करें, लाइक बटन को हिट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट रेसिपी जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।